सामने वाले ही बिल्डिंग में उसको ट्यूशन के लिए छोड़ती हूँ, तो 4 से 6 बजे तक उसका ट्यूशन रहता है। उसको जब ट्यूशन से उसके पापा लेने गए तभी उसने बोला कि ये देखो ये मेरे स्किन पे चिटक गई और ये ऐसा निकल गया, तो गाल पे भी मार्क दिखा, हाथ पे भी, नी पे भी, उंगली के पीछे भी मार्क दिखा। उसके बाद हम लोग उसे पूछने गए तो उसने कुछ बताया नहीं, और उसका हस्बैंड बोल रहा था कि साइलेंसर लगा होगा इसलिए जाते समय आते समय, लेकिन हम लोग उसको उठा के ही लेके जाते और बारिश में कहाँ साइलेंसर लगता है किधर। और उसके बाद हम लोग पुलिस स्टेशन में तकरार करने गए, फिर बाद में उसको बुलाया, उसने कुछ कबूली नहीं दी कि मैंने किया, लेकिन पुलिस ने आगे की कार्रवाई करने शुरू की, FIR दर्ज किया, तभी उसने बोलना चालू कर दिया कि मैंने ही चटका लगाया, लेकिन उसने किससे लगाया चटका उसने कुछ भी बताया नहीं। पेरेंट्स उसके भरोसे पे 2 घंटा 2.5 घंटा छोड़ते अपने मासूम बच्चे को, लोग ऐसा ऐसा व्यवहार करते हैं वो पालक लोग सोच भी नहीं सकते, और ऐसा करना बहुत गंदा है। और छोटे बच्चे को बोलने भी नहीं आता, बताने भी नहीं आता, उसने ऐसा अभी नहीं किया है, उसके पहले भी वो मेरी बच्ची को मारती थी, लेकिन हम लोग को पता नहीं चलता था, वो कुछ भी बताती नहीं थी। वो बोलती थी कि 1-1 घंटा वो बुक नहीं निकालती, वो 3.75 साल की है, उसको क्या हम लोग थोड़ी बोल सकते हैं कि ये निकालो, उसने ही सब करना चाहिए ना, लेकिन